हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक आप इलेक्ट्रिकल जो आपका सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच का, तो आज हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, इसके पहले का जो लेक्चर 1 था हमने अपलोड कर दिया है चैनल की पेस्ट में, आप जा करके देख सकते हैं। तो हमारा लेक्चर 2 है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो कम से कम इसके 10-15 लेक्चर आपको करा देंगे टॉप 10 क्वेश्चनों का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से काफ़ी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये आप मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, मतलब यहाँ पे 100% श्योर मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए टॉप 10 क्वेश्चनों को हम एक प्रकार से सीरीज लेकर के चल रहे हैं। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें आपसे मिस ना होने पाए। और बाकी का वीडियोज़ आप प्ले लिस्ट में बना दी है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या फिर बेसिक आप मैकेनिकल एंड सिविल हुआ या फिर क्या कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ, सारे वीडियोज़ आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट से। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो तो वह कहलाती है। तो ऑप्शन ए लूप या फिर ऑप्शन बी मेश या फिर ऑप्शन सी ब्रांच या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? हमेशा मेश कहते हैं। आपने अगर मेश की परिभाषा भी पढ़ी होगी तो परिभाषा यही थी कि यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो तो उसे वह क्या कहलाती है? मेश कहलाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे सारे जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप तैयार करते चलिए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सर्किट एलिमेंट का ग्रुप जिनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तथा जिसे जिसके दो टर्मिनल होते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए ब्रांच या फिर ऑप्शन बी लूप या फिर ऑप्शन सी मैश या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या यानी कि ब्रांच हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सर्किट एलिमेंट का ग्रुप जिनमें सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है तथा जिसके दो टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रांच यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है? देखिए, ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत ना लगा हो, तो ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत ना लगा हो कहलाता है। ऑप्शन ए पैसिव नेटवर्क, ऑप्शन बी एक्टिव नेटवर्क, ऑप्शन सी लैम्ब्ड नेटवर्क या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत ना लगा हो मतलब क्या कहलाएगा? वो पैसिव नेटवर्क यानी कि निष्क्रिय नेटवर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और अगर यहीं पे हम बात करें कि ऐसा नेटवर्क जिसमें ऊर्जा स्रोत लगे हों तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिव नेटवर्क हो जाएगा। तो इसी टाइप से उसकी एक्टिव नेटवर्क की परिभाषा होती है। तो दोनों में फ़र्क आप समझे रखिए, नहीं तो आप क्या करें कि एक्टिव पे टिक लगा करके चले हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को आराम से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें अन्य सर्किट एलिमेंट के साथ साथ ऊर्जा स्रोत भी लगे हों तो कहलाता है। देखिए, हमने क्वेश्चन आपको दे भी दिया यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि ऐसा नेटवर्क जिसमें अन्य सर्किट एलिमेंट के साथ ऊर्जा स्रोत भी लगे हों तो कहलाता है। ऑप्शन ए सक्रिय नेटवर्क, ऑप्शन बी निष्क्रिय नेटवर्क, ऑप्शन सी लैम्ब्ड नेटवर्क और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सक्रिय यानी कि एक्टिव नेटवर्क, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसके अभिलक्षण धारा की दिशा बदलने से अप्रभावित रहते हैं कहलाते हैं। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसके अभिलक्षण धारा की दिशा बदलने से क्या होते हैं? पर अप्रभावित रहते हैं। क्या होते हैं? अप्रभावित रहते हैं। तो ऑप्शन ए वितरित नेटवर्क कहलाएंगे, ऑप्शन बी बाईलेटरल नेटवर्क या फिर ऑप्शन सी यूनिलैटरल नेटवर्क, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बाई क्या कहते हैं यहाँ पे बाईलेटरल नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाईलेटरल नेटवर्क हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किलो वाट हावर व जूल में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 किलो वाट हावर किसके बराबर होता है? 36 × 10^5 जूल इसके बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसको इस क्वेश्चन को लिया है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे कि नेटवर्क के किसी ब्रांच का वह टर्मिनल जो कि दो या दो से अधिक ब्रांचेस से कॉमन हो कहलाता है। ऑप्शन ए नोड या जंक्शन कहलाएगा, ऑप्शन बी मैश कहलाएगा, ऑप्शन सी ब्रांच कहलाएगा, ऑप्शन डी लूप कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि नोड या जंक्शन कहलाएगा। नेटवर्क की किसी ब्रांच का वह टर्मिनल जो दो या दो से अधिक ब्रांच से कॉमन हो, मतलब दो या दो से अधिक ब्रांच से अगर कॉमन होगा क्या कहलाएगा? नोड या जंक्शन कहलाएगा। इससे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जंक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? ए जंक्शन कहलाएगा ये चीज़। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि आकृति गुणांक फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है। ऑप्शन ए आर एम एस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, ऑप्शन बी पीक वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि आर एम एस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है। तो अगर फॉर्म फैक्टर ज्ञात करना है तो आर एम एस वैल्यू आपको ज्ञात होना चाहिए, एवरेज वैल्यू आना चाहिए। तो जब दोनों मान को रख करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर आ जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या है कि शिखर गुणांक पीक फैक्टर, सॉरी शिखर गुणांक पीक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए आर एम एस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू, ऑप्शन बी पीक वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू, और ऑप्शन सी दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी पीक वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू। तो पीक वैल्यू और आर एम एस वैल्यू जो होता है पीक वैल्यू के बराबर होता है, यानी कि शिखर गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी दिशा में अधिकतम मान को क्या कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के किसी दिशा में अधिकतम मान को क्या कहेंगे, धारा का आयाम कहेंगे, या फिर शिखर मान कहेंगे, या फिर दोनों कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों कहेंगे। देखिए धारा का आयाम और शिखर मान एक ही बात होती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों। तो मतलब दोनों के कहने के केवल तरीके अलग हैं, तो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन जितने हमने बताया है सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और देखिए आपका जो क्या हम यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम की, तो अगर देखिए आप एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम 50% यहाँ पे चांस है होने का और 50% चांस है ना होने का। तो अब इसमें आप कैसे हम मतलब इसको मतलब निर्णय ले लें कि आपका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे निर्णय यही आपके लिए सही होगा कि आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि देखिए अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आप अगर पढ़े रहेंगे अभी से ही, अगर हमने बोल दिया कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये मान के चलिए पूरा फुल फुल मतलब पावर के साथ क्या करिए, आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। बाकी अभी जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए प्रमोट को लेकर के, तब तक आप पढ़ते रहिए एकदम मेहनत से। बाकी अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया बाई चांस, तो आप क्या करेंगे, आप बैठे रहेंगे वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ ना। तो इसीलिए पढ़ते रहिए, और देखिए बिल्कुल एकदम पैनिक होना ही नहीं है, एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, आराम से पढ़ते रहना। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन को तैयार करते चलिए, बाकी आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारी वीडियोस हमने बना रखी है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा जाकर के फिर इसमें देख लीजिए, एकदम मतलब एकदम पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है अच्छे से। बाकी तो हमारा लेक्चर 2 मतलब टॉप 10 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है, तो इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, तो वहाँ पे जो आईडी है पॉली टेक्निकल क्लासेस के नाम से, पॉली टेक्निकल क्लासेस के नाम से है, तो जाकर के वहाँ पे जब टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पॉली टेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट। तो ये इतनी चीज़ें सर्च करेंगे तो आज वहाँ पर क्या हो जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा इसका, सारा पीडीएफ वहाँ पर मतलब अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी जो आपके क्या कहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है तो वहाँ पे हम सेंड करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।